5 अगस्त 1963 जब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत संघ ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर, एक ऐसी संधि जो किसी भी देश या संघ को प्रतिबंधित करती है न्यूक्लियर वेपन के परीक्षणों को लेकर। इस संधि के तहत परमाणु हथियारों के भूमिगत परीक्षणों को छोड़कर कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री प्रतिबंधित है इन न्यूक्लियर वेपन के परीक्षणों को खुले वातावरण, पानी के नीचे और आउटर स्पेस में करने से। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भी अमेरिका को सोवियत संघ पर शक था कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ इन न्यूक्लियर वेपन्स का परीक्षण खुफिया तौर पर तो नहीं कर रही है, जिस कारण अमेरिका ने अपनी वेला 3 और 4 सैटेलाइट्स जो लॉन्च की गई थी 17 जुलाई 1964 को नजर रखने के लिए उनका रुख सोवियत संघ या कहीं रशिया की तरफ कर दिया। फिर अचानक एक दिन जुलाई 2 साल 1967 को वेला 4 और वेला 3 सैटेलाइट्स, जिन्हें डिजाइन ही इस तरह से किया गया था कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण अगर स्पेस या अर्थ पर किया जाता है तो उस परीक्षण के दौरान निकली गई गामा रेडिएशन की पल्सेस को ये दोनों सैटेलाइट्स तुरंत डिटेक्ट करने में सक्षम थीं। और जुलाई 2 1967 को इन सैटेलाइट्स ने ऐसी ही एक गामा रेडिएशन की फ्लैश को डिटेक्ट किया जो किसी भी ज्ञात हस्ताक्षर किए गए न्यूक्लियर वेपन से निकली प्रतीत नहीं हो रही थी। उस वक्त ये हुआ क्या था किसी को समझ में नहीं आया था। उस वक्त इसको इतना जरूरी ना मानते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया था या कहें टाल दिया गया था। बाद में आगे चलकर अतिरिक्त वेला सैटेलाइट्स की नई जनरेशन को बेहतर उपकरणों के साथ लॉन्च किया गया और गामा रे फ्लैश की उस इन्वेस्टिगेशन को रीओपन कर कंटिन्यू रखा गया, जिसमें अलग अलग सैटेलाइट्स द्वारा डिटेक्ट की गई इन बर्स्ट को एनालाइज कर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही टीम ने 16 और ऐसी बर्स्ट का पता लगाया और साथ ही साथ मोटे तौर पर आसमान में इनके ओरिजिन का अंदाजा लगाने में सक्षम हो सकी, जिससे ये तो साफ हो चला था कि गामा रेडिएशन की ये बर्स्ट दूर कहीं ब्रह्मांड की अतः गहराइयों से हम तक पहुंची थी। वेल, क्या होती है गामा रे बर्स्ट, क्या कारण है इन बर्स्ट के होने का और क्या ये हमारे लिए किसी प्रकार का खतरा साबित हो सकती है, जानेंगे आज के इस रोमांचक एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग एपिसोड में। तो बिना टाइम की धज्जियां उड़ाए लेट्स बिगिन। गामा रे बर्स्ट, ब्रह्मांड में रिकॉर्ड किया गया बेहद एनर्जेटिक एक्सप्लोजन। गामा रे बस्ट पर आने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि गामा रेज असल में होती क्या हैं। तो गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रिकॉर्ड की गई लाइट की अब तक की ज्ञात सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फॉर्म है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कंसिस्ट या कहें कंटेन करती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को, बेहद हाई फ्रिक्वेंसी पर हाई एनर्जी लाइट पार्टिकल्स फोटोन्स के साथ। हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शुरू होता है लाइट्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के साथ, जिसमें सबसे निचले दर्जे पर लाइट की जो फॉर्म आती है वो फॉर्म है रेडियो वेव्स की, जो कंटेन तो करती है लॉन्गर वेवलेंथ्स को लेकिन बेहद लो एनर्जी ऑफ लाइट पार्टिकल्स फोटॉन्स के साथ। इससे ऊंचे दर्जे पर लाइट की जो फॉर्म आती है वो होती है माइक्रोवेव, जिनमें निचले दर्जे पर मौजूद रेडियो वेव्स की तुलना में थोड़ी शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं और थोड़े ज्यादा मात्रा में एनर्जी लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह माइक्रोवेव से ऊपर इंफ्रारेड, उसके ऊपर विजिबल या ऑप्टिकल जिन्हें ह्यूमन आईज देख सकती हैं, इनसे ऊपर अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरेज और आखिरी में देखने को मिलती हैं गामा रेज, जो इस स्पेक्ट्रम में मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ लाइट है, जिसमें फोटॉन्स की मात्रा इस स्पेक्ट्रम में मौजूद किसी भी लाइट फॉर्म से सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पिछले 30 से 40 सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक सभी प्रकार की लाइट फॉर्म्स को देख पाने की तकनीकों में सफलता हासिल की है। खगोल शास्त्रियों का खुद का मानना है कि अगर यूनिवर्स को सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट के जरिए ही देखा जाता तो यूनिवर्स में होने वाले बहुत से कॉस्मिक इवेंट, जिनमें शामिल हैं तारों के जन्म, तारों की मृत्यु, क्वेजार्स, गामा रे बर्स्ट और भी बहुत से कॉस्मिक इवेंट जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद अलग अलग लाइट फॉर्म्स के जरिए देखा जाता है, शायद से हम कभी देख ही ना पाते। इसी स्पेक्ट्रम के जरिए कॉस्मिक इवेंट्स को देख पाने की क्षमता के चलते हम देख पाने में सक्षम हुए थे ब्रह्मांड का बेहद ऊर्जावान विस्फोट गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट पर एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा दी गई कुछ थ्योरीज की माने तो एक थ्योरी के मुताबिक गामा रे बर्स्ट जैसा पावरफुल एक्सप्लोजन सुपरनोवाज, सुपर लुमिनस सुपरनोवाज
जिन्हें हम हाइपरनोवास भी कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार मर्जर, जो किलोनोवा के नाम से भी जाना जाता है, और ब्लैक होल्स मर्जर के दौरान देखने को मिलता है। ये सभी कॉस्मिक इवेंट्स एक बेहद शक्तिशाली गामा रे बर्स्ट को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। एक गामा रे बर्स्ट कुछ ही सेकंड्स में इतनी एनर्जी रिलीज कर सकती है जितनी हमारा सूर्य अपने पूरे 10 अरब वर्ष के जीवन काल में रिलीज कर पाता। और तो और हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब तक ऑब्जर्व की गई सभी गामा रे बर्स्ट को अरबों लाइट ईयर्स दूर दूसरी आकाश गंगाओं में डिटेक्ट किया गया है। गामा रे बर्स्ट अक्सर कुछ मिलीसेकंड से लेकर कुछ मिनट तक ही अपने अस्तित्व को बनाए रख पाती हैं। उसके बाद ये एक तेज फ्लैश के साथ लंबे समय तक रहने वाले आफ्टर ग्लो के बाद स्पेक्ट्रम में मौजूद दूसरी लॉन्गर वेवलेंथ्स की लाइट फॉर्म्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, जैसे एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल या ऑप्टिकल, माइक्रोवेव और आखिर में रेडियो वेव्स। गामा रे बर्स्ट अक्सर दो प्रकार की दिखाई दी हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन गामा रे बर्स्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन गामा रे बर्स्ट। लॉन्ग ड्यूरेशन गामा रे बर्स्ट में समय सीमा का आकलन 2 सेकंड से लेकर कुछ 100 सेकंड तक के बीच का रहा है, वहीं औसतन 30 सेकंड का। एस्ट्रोनोमर्स के मुताबिक लॉन्ग ड्यूरेशन गामा रे बर्स्ट उत्पन्न होती हैं सुपर मैसिव स्टार्स की मौत के चलते, उनके सुपरनोवा और हाइपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान होने से। वहीं शॉर्ट ड्यूरेशन गामा रे बर्स्ट में समय सीमा का आकलन कुछ मिलीसेकंड से लेकर 2 सेकंड से भी कम का रहा है, वहीं औसतन 0.3 सेकंड का। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन गामा रे बर्स्ट उत्पन्न होती हैं 2 न्यूट्रॉन स्टार्स या 2 ब्लैक होल्स के मर्ज होने के चलते। अब तक की ज्ञात सबसे दूर गामा रे बर्स्ट जो ऑब्जर्व की गई है उसका नाम है GRB-090429b, जिसे स्विफ्ट सैटेलाइट ने 29 अप्रैल 2009 में कैनिस वेनेटिजी नक्षत्र में ऑब्जर्व किया था, जो तकरीबन 106 सेकंड तक कायम रही थी, जो इसको लॉन्ग ड्यूरेशन गामा रे बर्स्ट की श्रेणी में लाता है। इसकी दूरी का अंदाजा एस्ट्रोनोमर्स ने 13.14 बिलियन लाइट ईयर्स तक का लगाया है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अब तक जितनी गामा रे बर्स्ट ऑब्जर्व की गई हैं, वे सभी हमारी गैलेक्सी से बाहर ऑब्जर्व की गई हैं। पृथ्वी पर मौजूद ओजोन लेयर हमें हमेशा हल्की फुल्की गामा रेज और सन की अल्ट्रावायलेट रेज से सुरक्षा मुहैया कराती आई है। अगर ऐसा कोई पावरफुल एनर्जेटिक गामा रे बर्स्ट कॉस्मिक इवेंट हमारी गैलेक्सी में हुआ और उसके निशाने पर हमारा सौरमंडल या कहीं हमारी पृथ्वी हुई, तो ऐसी कोई पावरफुल गामा रे बर्स्ट हमारी पृथ्वी पर से हमारा वजूद तुरंत मिटा सकती है। ये ओजोन लेयर को तुरंत तबाह कर सकती है, और अगर इसका सीधा संपर्क हमसे हुआ तो इसमें मौजूद हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स हमारी बॉडी में घुसकर लिविंग सेल्स यानी कोशिकाओं को तुरंत खत्म कर सकते हैं। और यहाँ कमाल की बात तो ये है कि हम इन गामा रेज को तुरंत सीधे तौर पर डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। कॉन्क्लूजन पर आए तो हम ये कह सकते हैं कि हम ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के ही रहमो करम पर टिके हुए हैं। ये जब चाहे जहां से चाहे हमारा वजूद इस खूबसूरत ग्रह पर से पल भर में मिटा सकता है। अब अगर आप भी कुछ अनोखा जानते हैं गामा रे बर्स्ट से जुड़ा तो नीचे कमेंट करके हम सभी को जरूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपका इंटरेस्ट स्पेस फील्ड में है तो ये चैनल आप ही के लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड करते ही मिले। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी टॉपिक में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।